जामा मस्जिद धर्मतल्ला में असन और तामीर जो होने जा रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना ताउन दें ताकि मस्जिद फिर से बनाए। नाजरीन समीम लाइव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम लोग लेनिन सरानी धर्मतल्ला जामा मस्जिद के पास है। यहाँ एक मीटिंग हुई है कि इस मस्जिद को शहीद करके असर नौ तामीर की जाएगी। ये मस्जिद फ़िलहाल 3 मंजिला है लेकिन नए सिरे से 4 या 5 मंजिला बनाई जाएगी। यहाँ कमेटी ने एक फ़ैसला किया कि इस मस्जिद को बनाने में कुछ दुश्वारियाँ आ रही थी लेकिन जो दुश्वारियाँ थी वो फरहाद हकीम और ज़मीन मालिक जो पीछे के हिस्से में हैं उनके इश्तराक से इसको बखूबी मुकम्मल कर लिया गया है। और अब इंशाअल्लाह ईद बाद समाज जामा मस्जिद देंगे कि भाई जो दूसरे का हक है वो अदा करें, अपनी तरफ से नरमी मिजाज में नरमी पैदा करें, मोहब्बत को फैलाएं, एक दूसरे से खुश अखलाकी से मिलें, अखलाक मोहब्बत और आपस के भाईचारे को फ़रोग दें। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आदमी जो दूसरे का हक है हम पर वो अदा करें। अगर हम दूसरे का हक अदा नहीं करेंगे सिर्फ अपना हक तलब करेंगे तो इससे हंगामा और फसाद होता है। इस्लाम का ये बुनियादी उसूल है कि दूसरे से हुकूक़ तलब मत करो बल्कि दूसरे के हुकूक़ जो तुम पर हैं उनको अदा करने की कोशिश करो। ये करेंगे माहौल खुश खुद ब खुद खुशगवार होगा और इंशाअल्लाह मुल्क और कौम मिल्लत की तरक्की होगी। मोहम्मद रैहान। नमाज के बाद मस्जिद के तामीरी काम शुरू हो जाएगा रमज़ान के बाद, ईद के बाद, यानी कि ईद की नमाज़ अदा करने के बाद फौरन तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट हमारा पीछे से रास्ता रहेगा, हमारा पीछे से रास्ता रहेगा और वो जगह में हम और मस्जिद अपनी जगह भी छोड़ेंगे, छोड़ के अपने जगह को चौड़ा करके पीछे से जगह बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, वहाँ हमारी कोई तामीर नहीं होगी। वो ओपन टू स्काई रहेगा सदा के लिए। इनको भी मैंने ये जुबान दिया है कि ओपन टू स्काई रहेगा, इसलिए हम उधर से पैसेज रास्ता निकालेंगे। हमारा एक रास्ता इधर चलेगा, एक रास्ता वो रहेगा हमारा। ठीक, ठीक है। शरई एतबार से इसके अंदर तो कोई मुदाखलत नहीं है, इसलिए कि मुफ्तियाने कराम से इस ताल्लुक़ से जो है मसाइल को भी मालूम किया गया। अव्वल तो इसके मुतालिक पहले पूछा गया, उसके बाद फिर जो है इस पर काम आगे शुरू हुआ। मस्जिद जिस जगह पर होती है वो एक चंदे के पैसे की या जायज़ पैसे की होती है, तो ये इन्होंने जो ज़मीन दी है उसमें क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मुफ्तियाने कराम से पहले इसके मुतालिक मसाइल मालूम किए गए और मसाइल मालूम करने के बाद फिर इस पर जो है मशवरा हुआ, और मशवरा ये नहीं कि बल्कि अमूमी और खसूसी दोनों मशवरा हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन को जो है वक्फ की गई। और ऐसे भी कि शरीयत के अंदर है कोई हदीतन ऐसी चीज़ दे तो उसको लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा सकता, बशर्ते यह है कि उसके अंदर कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ें ना हो। अभी तो इसके ऊपर जो है मशवरा होगा और तौसी करने में कोई हर्ज भी नहीं है जैसे कि इन्होंने दिया गया, बल्कि मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने तो साफ तौर पर यह कहा कि भाई पहले तो मस्जिद के इंतज़ामिया ने सामने बात रखी कि ये मस्जिद में यूँ ही लेकर के नहीं ली जाएगी, कीमतन अदा करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन इनकी कि मस्जिद के मोहब्बत और लगाव की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि भाई हम अल्लाह के घर में भगवान के घर में दे रहे हैं तो हमें उसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। पहले तो इस बात पर इशारा हुआ लेकिन उन्होंने गिफ्ट की है और इस पर बिल्कुल तामीर भी हो सकती है और इस ताल्लुक़ से जो है उस पर इबादत भी की जा सकती है। फ्यूचर में जामे मस्जिद को शहीद करके, चूँकि ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, फ्यूचर में इसको हम लोगों का ये इरादा है तकरीबन ईद के बाद हम लोग इस मस्जिद को फिर शहीद करके फिर से नई तामीर करेंगे। उसके लिए सारे जो भी क्राइटेरिया उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और मशवरा भी चल रहा है। बंगाल के मुसलमान और आवाम से हम ये अपील करते हैं कि इस जामे मस्जिद को बनाने में और अच्छे तरीके से बनाने में पूरा सहयोग करें, इसमें ताउन करें, हर तरह से ताउन करें। इसकी मज़ीद जानकारी के लिए आप जामा मस्जिद कमेटी के लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका नंबर वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे से पहले हम इनसे मिले थाना में, कुछ ऐसी आपस में नाइतफाक़ी कहिए हल्की फुल्की लोगों में हो गई थी और उसमें पॉलिटिक्सियन लोगों की वजह से, तो सबसे पहली मुलाकात इनसे हमको थाना में हुई। तो उस वक्त मैंने कहा कि देखिए हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह ये काम जो है हल हो जाएगा। और इन्होंने इस बात पर काफ़ी जो है मुतासिर हुए हमसे और कहें कि ठीक है बेटा बात करेंगे, तो हम कहा कि अंकल ठीक है। फिर उन्होंने बुलाया, 2-3 बार 4 बार गए इनके यहाँ बैठे, बातचीत किए, बातचीत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला तय पाया। मैंने आप लोगों की क्या मांग थी, क्या चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअल मसला ये था कि पहले मस्जिद के पीछे जो जगह है, मेरा कहना था कि कोई भी जो है धर्मस्थल के साथ में आप जोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते हैं, आपको कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह एकदम एंड पॉइंट तक है,
तो हमने कहा देखिए अगर खोद के जाएंगे कुछ भी करेंगे तो आपस में, लेकिन अगर सटा के बनाएंगे तो कल होकर के हम रिपेयरिंग करेंगे कुछ भी करेंगे तो आपस में परेशानी बहुत बड़ी आएगी, तो इसलिए बेहतर होगा कि इसको आप छोड़ के बनाएं। तो उन्होंने कहा हम अपनी जगह से क्यों छोड़ेंगे, इसी बात पे काफ़ी डिस्कशन चलता रहा। तो हम लोगों ने कहा कि फिर ऐसा है कि आपको ज़मीन जो है वो फरोख्त कर दें, बेच दें जी, हम लोग परचेज कर लेते हैं, इसलिए कि सटके तो बनने का मसला नहीं है, कल किसी तरह का मामला आएगा तो कहाँ से क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग की आपस में बात होते होते ये मसला तय पाया कि नहीं ये जगह जो है हम बेचेंगे नहीं, हम अल्लाह को कैसे कुछ बेच सकते हैं, उन्होंने ऐसी वर्ड कहा। हमने कहा कि देखिए तो आप दीजिए, ऊपर वाला आपके लिए भला करेगा। यही बात हम लोग मेयर साहब के पास गए बैठे बात किए, तो उन्होंने भी यही बात बोला कि आप जो है मस्जिद को देखिए, आपका ऊपर वाला देखिए क्या भला करता। फिर इनको भी ऐसा लगा कि नहीं, जैसे ही मैंने कमिटमेंट किया कि मैं देता हूँ तो मेरा भला हो रहा है, तो बहुत खुश हुए, फिर दिया। तो फिर मैंने कहा कि देखिए मस्जिद में हम कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले सकते हैं, तोहफा के तौर पे भी कहीं ना कहीं लोग तनकीद करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे तोहफा के तौर पे कुछ भी दे दोगे मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं इसको बेचूँगा नहीं, मैं तोहफा दूँगा तुम भी मुझे तोहफा दे सकते हो। तो बस यही बात रही और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सारे काम को जो है। और एक जो मार्केट पे या बाजार में जो मामला चल रहा है वो ये कि जबरदस्ती नहीं, ये ताल्लुक से ये बात मार्केट इस ताल्लुक से जो भी लोग इस अफवाह को फैलाए हैं वो गलत फैलाए हैं, और यूँ समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कामों के अंदर जो है नुक्ताचीनी करते हैं। हालांकि उन्होंने हमसे तहकीक की, मैं यहाँ का इमाम हूँ, हमसे उन्होंने किसी ने तहकीक नहीं की कि भाई ये ज़बरदस्ती है ये क्या है। और मैंने भी कहा कि जो मस्जिद के पीछे में जो जगह है जो इन्होंने दिया है उस जगह पे हमारा कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, इसलिए कि वो 1.5 फीट जगह और 2 फीट जगह, 14 फीट तक 2 फीट है, उसके बाद 50 फीट तक जो है 63 फीट 64 फीट लंबी मस्जिद है, तो वहाँ पे 1.5 फीट है। तो हमने कहा कि इसमें हम जो है और भी मस्जिद जगह छोड़कर उसके बाद इस पे जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो हमारा पीछे से एक रास्ता बन जाएगा मस्जिद के लिए, एमरजेंसी एग्जिट के काम में आ जाएगा और हमारा रंग वगैरह करने के भी काम में आ जाएगा। तो उनको ये भी बात समझ में आई कि नहीं सही बात है, मस्जिद के जो है पीछे से कोई भी काम करने के लिए रहेगा, रंग वगैरह करना होगा, पेंट है, कुछ भी तरीके का काम होगा तो कर सकते हैं, और प्लस इनको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगी। तो इसके लिए तो इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि हर लोग मस्जिद के तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर ताउन करें और खुशी दिल से मेरा तो यही कहना है कि अपने दिमाग से काम करिए, दूसरे के कहने पर मत चलिए। तो क्या आप इससे क्या कुछ अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि बहुत फ़ायदा भी हुआ आपने जो? हाँ बिल्कुल बता दें, हमने खाली कमिटमेंट किया और मेरा बिगड़ता काम बनने लगा। हाँ बिगड़ता काम बनने लगा और बनते जा रहा है। हाँ तो अब सब जो भी हो, हमको सोनू ने और मेयर साहब ने कहा कि आप एक बार मस्जिद को कुछ दे के देखो, देखो अल्लाह आपको कितना मेहरबान होते हैं। तो हमको फील हुआ कि मेरा ऐसा करने से कुछ चेंजेज आई हैं। और कितनी ज़मीन आपने मस्जिद के हवाले की? करीब देखिए ज़मीन करीब 0.15 इकट्ठा है, पर कॉस्ट इसका 35 लाख है। तो आप उसके बगल में जो कंस्ट्रक्शन क्या है, किस चीज़ का कर रहे हैं वो? हम लोग अपना एक कॉमर्शियल कम्प्लेक्स बता रहे हैं, उसमें दुकानें वगैरह होंगी कॉमर्शियल। तो ये जो आपने दिया है तो कुछ लफड़ा शुरू में चल रहा था मस्जिद? नहीं, लफड़ा नहीं होता है। देखिए बातचीत का भी कोई लफड़ा नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पर हमको बहुत दुख हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती लिया गया, और ज़ोर ज़बरदस्ती पर लिया हुआ ज़मीन पर नमाज पढ़ने से नमाज सफल नहीं होता है। तो हम बोला कि भाई हम खुद आके मस्जिद में स्टेटमेंट देंगे कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है। ज़ोर ज़बरदस्ती आजकल कौन ले सकता है बताइए ना, इतना बीच कलकत्ता में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन ले लेगा? ऐसा नहीं है, जो भी हुआ है प्यार मोहब्बत से हुआ। किस पर इल्ज़ाम आ रहा था, मस्जिद कमेटी पे या आप? नहीं, हमको सुनने में आया कि कुछ लोग मस्जिद में बोल रहे हैं ज़मीन देने के बाद कि ज़ोर ज़बरदस्ती लिया गया। तो हम बोले भाई अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम खुलेआम सबके सामने बोलेंगे कि हमने खुशी से दिया है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। और अभी जो हाल चल रहा है उस पर आप क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज हम समाज को पूरा? हम तो बोला ना सब लोग आपस में भाईचारा करके रहिए। ये सब अपना स्वार्थी आदमी लोग अपना स्वार्थ उठाने के लिए, वोट लेने के लिए ये सब करता है। आप लोग अपना डिसीजन लीजिए, कहीं अच्छा आदमी है तो बीजेपी को भी वोट दीजिए, अच्छा आदमी है तो तृणमूल को भी वोट दीजिए, अच्छा आदमी है तो कांग्रेस को भी वोट दीजिए, कोई पार्टी को नहीं देखिए, अच्छा आदमी को वोट दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत शुक्रिया। तो हमारी तरफ से कुछ मलकानी जी को गिफ्ट दी जा रही है, ठीक आइए इसको कबूल किया जाए। हमने अभी कहा कि भाई आप लोग इतने आदमी हैं और मुसलमान में एक यूनिटी है, ये बहुत सबको मालूम है, तो ये मस्जिद बनाना 2-3 करोड़ रुपया कोई बड़ा बात नहीं है।
300 मुसलमान 1,00,000 करके निकालेगा तो हो जाएगा। तो पहला 1,00,000 हम अनाउंस करते हैं, पहला 1,00,000 हम अनाउंस करते हैं। आप लोग आगे बढ़िए और मस्जिद को फिर से बनाइए। भाईचारगी और 1,00,000 का ये आला मिसाल है और इसे ही कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। हिंदू मुस्लिम अगर मिल कर रहें तो कोई भी सियासी पार्टी हमें अलग नहीं कर सकती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। हाँ तो लोगों को मालूम।